महिला शक्तिकरण सशक्तिकरण लैके बढ़ावा देने संबंधी श्री नगर दे लाल चौंक दे तो CRPF दी महिला जवान वालों बाइक रैली जो कि गुजरात दे एकता नगर विच संपन्न होवेगी। अज अपने अमृतसर पड़ाव मौके अमृतसर दे स्वरूप राणी सरकारी कॉलेज विच पहुंचे जिथे कॉलेज दियां विद्यार्थिनां ते समूह स्टाफ दे वल्लों उन्हां दा निघा स्वागत किया गया ते तालियां वजा के उन्हां दी हौसला अफजाई की गई। हमने यह रैली श्रीनगर लाल चौक से शुरू की है जो हम गुजरात में केवड़िया जाएंगे। ये 10,000 किलोमीटर का सफर है जिसमें 75 बाइकर्स हैं जो तीन जगह से आ रहे हैं, कन्याकुमारी शिलोंग से। तीनों का पर्पज यही है कि ये तीनों केवड़िया गुजरात में ही 31 अक्टूबर को मिलेंगे। तो क्या मकसद लेके चले हो आप? हमारा मकसद यही है कि हम बाइक रैली का मकसद करने का सिर्फ यही है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जागरूकता पैदा कर रहे हैं। एक तो ये एकता दिवस के ऊपर हो रहा है कि पूरे देश को एक साथ लेकर चल रहे हैं, यही हमारा इस रैली का मकसद है। आज साढ़े वेड़े CRPF के जवान जड़े मोटरसाइकिल चला के श्रीनगर तो आए आ और उन्होंने असी जी आया आखते हैं, नाल इन्हों बैंड टीम हैगी उन्होंने भी जी आया आखते हैं, तो उन्होंने आने नाल साढ़े बच्चे भी होर मोटिवेट होए कि ये सारा असी जो एक जाना कर सकता वो दूजे भी कर सकते हैं। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜੈਂਡਰ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ। SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर जिसनों लैके जिथे राजनीतिक गरमाई हुई है तो राजनीतिक पार्टियां वालों लगातार बयान सामने आ रहे हैं। दूसरे पासे किसान यूनियन भी सामने आई हैं। किसान यूनियन के वालों ग्राउंड जीरो से पहुँच के कहा कि पंजाब के कोल हरियाणा देने लई एक भी बूंद पानी की नहीं है, अगर किसी भी तरह की जबरदस्ती हरियाणा पानी देने की कोशिश की गई तो उत्थे इत्थे पक्का धरना लगा लिया जाएगा, मोर्चा लगा लिया जाएगा, अगर जरूरत पड़ी तो शहादत भी दत्तियां जानगियां। जिस स्थान पर असी खड़े हैं इतों पंजाब की बर्बादी का मुढ़ बजा सी 40-42 साल पहला, क्योंकि पंजाब दे कोल ना पहला पानी सी ना अज पानी है। पानी जिहड़ा हैगा साड़ी अपनी धरती का 7-8 सौ फुट डूंगा जा चुकिया, साढ़े कोल बिल्कुल भी पानी नहीं किसी होर स्टेट नूं देण वास्ते। बहुत लंबे समय तो इहदे उत्ते मोर्चे भी लगे, धर्म युद्ध मोर्चा लग्या कपूरी दे विच, बहुत सारे नौजवानों दीआं कुर्बानियां भी होईआं इस नहर दे वास्ते, SYL नूं बंद कराउण वास्ते। पर जदों चोणां दा समां आउंदा उदों सरकारां इस मसले नूं उभारदीआं, भावें कि इस मसले नूं उभारन दे लई जिम्मेवार कांग्रेस सरकार है, पर अज दी केंद्र विच मौजूदा BJP सरकार भी सुप्रीम कोर्ट नूं वरत रही है। सुप्रीम कोर्ट ते किसे दबाव दे तहत ये फैसला कराया गया जो कल बयान आया कि पंजाब जिहड़ा पानी है वह हरियाणे नूं दवे, पर पंजाब तां आप उजड़ गया। जे हड़ आ गए तां पंजाब दे विच नुकसान सारा पंजाबियों दा, सोका पै गया तां नुकसान पंजाबियों दा। SYL दा पानी जिहड़ा अज भी हरियाणे नूं दित्ता जा रहा, असीं इस मुद्दे ते भारतीय किसान मजदूर यूनियन श्री आनंदपुर साहब वालों स्पष्ट करन देना चाहुंदे कि इत्थों SYL शुरू हुंदी है, जे लोड़ पई हालातों के मुताबक तो असीं इत्थे सब तो पहला मोर्चा ला के बैठांगे। इस नहर दे विच इक बूंद भी पानी दी ना हरियाणे नूं ना राजस्थान नूं किसे स्टेट नूं नहीं जाण देवांगे। SYL यानी कि सतलुज यमुना लिंक, इस समय असी उस जगह पर खड़े हाँ जिथों की SYL की शुरुआत होंगी है। तस्वीर भी तुसी मेरे पिछे देख सकते हो, तो वही SYL नहर है जिन्हों हुण बन लगा के रोक दिता गया है। नंगल तो श्री आनंदपुर साहब हाइडल नहर है जी चलती है, तो उसका पानी है जोड़ा सतलुज दरिया मोड़ दिता जाता है। SYL का मुद्दा उदों तो ही गरमाया हुआ है जदों तो पंजाब ते हरियाणा की वंड हुई है। पंजाब ते हरियाणा की वंड 1966 में हुई थी, तो 1966 तो लैके हुण तक लगातार हरियाणा अपने हिस्से के पानी की मंग लगातार करता रहा है, परंतु पंजाब का भी हमेशा यही कहना है कि पंजाब को इन्ना पानी नहीं है कि वह हरियाणा को भी दे सके। राजनीतिक पार्टियां की गल करिए, राजनीतिक पार्टियां भी समय समय से इस SYL लैके राजनीति कर दी आई हैं, परंतु हुण राजनीतिक पार्टियां के नाल नाल किसान भी सामने आ चुके हैं। किसानों का कहना है कि आने वाले समय में जेकर SYL लैके कोई भी गतिविधि होंदी है तो वह मोर्चे लाने लई इस जगह पर तैयार रहणगे, जेकर उन्होंने शहादत देने की लोड़ पई तो वह शहादत देने को भी पिछे नहीं हटणगे। हुण देखना होगा कि आने वाले समय में सरकारां SYL लैके की रुख अपनाउंदियां हन। श्री आनंदपुर साहब
बीती रात सूबे भर हुई बेमौसमी बरसात ने जिथे किसानों की चिंता वधा दिता उत्थे ही किसानों की पुत्तां वांग पाली झोने की फसल खेतों के तहस नहस हो पई है। क्योंकि किसान अपने पुत्तां वांग झोने की फसल नूं कट्टण दे लई तैयार ही सन तो बीती रात पई तेज बरसात ने किसानों दीआं आसां ते पाणी फेर दिता है। दूजे पासे नाभा दी अनाज मंडी दे विच वी खुले आसमान के नीचे पईआं लखां बोरियां पाणी दे विच भिज गईआं। किसानों ने सरकार तो मुआवजे की मांग की थी है। साढ़े आलू बीजे जी कले बीजे थी आलू ही हवा नहरी नाल जी मीह बारिश नाल सारा नंगा हो गया। दोबारे देखो जी खर्चा सानू पता ही है दोबारे किवें होगा। सारा आलू नंगा हो गया जी। मतलब कोई हिसाब नहीं ला सकते। जिहड़ियां फसलां पक्कियां पईआं दियां वढ़न वालियां ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਪੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪੁੰਗਰ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜ ਗਈ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ। ਐਨ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼? ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਈ ਆ ਜੀ 12 ਵਜੇ। 2 ਘੰਟੇ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਦੋਂ ਲਾ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ 3 ਵਜੇ ਫਿਰ ਆ ਗਈ। 1.5 ਘੰਟਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਐਨ ਕਿਆਰੇ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ ਭਰਤੇ ਜੀ। ਕੰਬਾਈਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਸਲ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਲਾਈ ਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈੱਡ 'ਚ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਭਿੱਜ ਗਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਢੇਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੁਕਾਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪੁੰਗਰ ਜੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਤਾਂ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।